गाइस, कार मॉडिफिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसे कोई प्रोफेशनल व्यक्ति करे तो ही अच्छा होता है, लेकिन अगर वही काम कोई छपरी मॉडिफायर के हाथों हो तो आप लोग भी यही कहेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छपरी मॉडिफिकेशंस की जिन्होंने कॉन्टेसा कार की खूबसूरती को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास ही में मैंने बेल आइकॉन के बटन को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पुअर शिवेल से। यहां पर 1988 क्लासिक कॉन्टेसा के ओरिजिनल लुक्स को कुचलकर अमेरिकन शिवेल का लुक्स देना चाहा, पर आप देखिए क्या से क्या हो गया। ये ना तो शिवेल बन पाई और ना कॉन्टेसा रह पाई। फ्रंट लुक में अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर छोटी और एक बड़ी राउंडेड हेडलैम्प्स देखने मिलेगी और सेंटर में एक छोटा सा ग्रिल भी बनाया गया जिसमें फोर्ड मस्टैंग का मोनोग्राम दिया गया और फ्रंट में बम्पर ही बनाए गए जिसको बॉडी के साथ ही रहने दिया। अब ये क्या हुआ है भगवान जानता है, या तो वो मॉडिफायर जिसने इस कार की खूबसूरती को तबाह कर दिया। साइड प्रोफाइल पर अगर आप नज़र डालें तो बड़े टायर्स और बॉडी के फेंडर साइड को भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कट कर दिया गया जो कि इसको एक बहुत ही ख़राब लुक दे रहा है। यहाँ पर गाइस, कार को टू डोर कोप बनाने की कोशिश की गई ताकि ये अमेरिकन मसल कार बन जाए, लेकिन अब ये इंडियन मसल कार ही नहीं रही है। रियर लुक पर नज़र डालें तो यहाँ पर राउंडेड टेल लाइट्स लगाई गई और कॉन्टेसा की ओरिजिनलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस कार को अगर आप इस एंगल से देखें तो ये एक मॉन्स्टर ट्रक से कम नहीं नज़र आएगी आपको। गाइज, अब बात करते हैं सिस्टर इन लांसर कॉन्टेसा की। इस कॉन्टेसा को आप और क्या नाम देंगे जिसको एक सुपर कार बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन ये ना तो सुपर कार बन पाई और ना ही कॉन्टेसा रह गई। इस कॉन्टेसा को फ्रंट लुक में अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से इसको तबाह किया गया है जिसमें कस्टम मेड फ्रंट बम्पर्स और फ्रंट ग्रिल यहाँ पर लगाया गया विथ राउंडेड हेडलैम्प्स जिससे कि एक इम्पोर्टेड सुपर कार की तरह लिखे। लेकिन रियर लुक की तरफ यहाँ देखें तो यहाँ पर मित्सुबिशी लांसर की टेल लाइट्स और लांसर का रियर स्पॉइलर जुगाड़ करके लगाया गया। क्या मतलब रहा इस कॉन्टेसा को बिगाड़ के भाई ओरिजिनली रहने देता भाई ने, लेकिन कहीं तो ओरिजिनलिटी का ध्यान रखा है। वो है क्लासिक कॉन्टेसा का इंटीरियर जो कि ओरिजिनली है। अब साइड प्रोफाइल से ये कार कैसी लग रही है कमेंट में आप लोग हमें बताइए। गाइज, अब बात करते हैं इस मॉडिफिकेशन की जिसमें कॉन्टेसा को एक पुअर मस्टैंग बनाया गया। यहाँ पर आप देखिए सीजर डोर्स और फ्रंट लुक कितना धांसू लग रहा है। कस्टम मेड ग्रिल विद कस्टम मेड लाइट्स इस कार को अलग ही लेवल पर लेके जा रहे हैं। पता नहीं ज़बरदस्ती इस मॉडिफायर ने इस कॉन्टेसा पर अपना हुनर दिखाया होगा। रियर लुक्स के बारे में देखें तो यहाँ पर लाजवाब स्पॉइलर के साथ मस्टैंग की बैजिंग रियर लुक में यहाँ पर टेल लाइट्स जुगाड़ करके लगाई गई होगी। जो भी हो, रियर लुक फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस पुअर मस्टैंग के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गाइज, अब आते हैं टाटा सुमो कॉन्टेसा पर जिसमें कॉन्टेसा की ओरिजिनल हेडलैम्प्स को हटाकर टाटा सुमो की हेडलाइट्स लगाई गई और आखिर में जो लुक सामने आया वह कुछ ऐसा था। यह सब करने के बाद तो टाटा सुमो ने सुसाइड ही कर लिया होगा। यहाँ पर कॉन्टेसा के साथ फ्रंट लुक में तो सही सही रियर लुक में भी खिलवाड़ किया गया। टाटा सुमो विक्टा की टेल लाइट्स लगाकर जिसमें कि यहाँ पर पैसा और टाइम दोनों वेस्ट किया गया। गाइज, इस कार को टाटा सुमो सेडान भी बोल सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइज, ये थे कुछ विचित्र मॉडिफिकेशन जो कि कॉन्टेसा पर किए गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दे दें और पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।